दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की खबर। सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ विस्फोट, धमाके का वीडियो आया सामने। सूचना के बाद मौके पर मौजूद एफएसएल की टीम, घटनास्थल के पास सैंपल इकट्ठे किए गए, सीसीटीवी डीवीआर जब्त किए गए हैं। धमाके के बाद इलाके को सील दिया गया है। घटनास्थल पर दमकल विभाग ने पहुंचकर शुरू की कार्रवाई। बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, मामले की जांच में जुटी टीम। धमाके की वजह से इलाके में हुआ काफी नुकसान, आसपास के दुकानों के कांच टूटे, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली धमाके की हर एंगल से जांच जारी है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है। एफएसएल को भी दी गई घटना की जानकारी, घटनास्थल पर मौजूद एनएसजी की टीम। दिल्ली के रोहिणी में धमाके के बाद एक्शन में पुलिस, मामले की जांच में दिल्ली पुलिस के साथ आईजीएल की टीम भी पहुंची। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ। जयपुर में चाकूबाज के घर पर चला बुलडोजर, आरोपी नसीब चौधरी के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। मंदिर के पास अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई। आरएसएस के कार्यक्रम में युवक ने की थी चाकूबाजी, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में मौजूद रही पुलिस पर। राजस्थान के अजमेर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई, कचहरी रोड के पास अवैध कब्जे पर नगर निगम की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, विशेष समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर इकट्ठा होकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने एक्शन लेते हुए पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इलाके में शांति का माहौल, पुलिस की टीम ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला है, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में धार्मिक टिप्पणी से बढ़ा था तनाव, सड़क पर उतरे विशेष समुदाय के लोग, जमकर तोड़फोड़ की गई, मौके पर मौजूद पुलिस ने संभाला मोर्चा। मुजफ्फरनगर धार्मिक पोस्ट पर हुए हंगामे पर एक्शन, विशेष समुदाय के 700 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस के कार्यवाही के बाद भी बेकाबू भीड़ ने किया था बवाल। इसमें 500 से 700 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मार्ग जाम करना, आपत्तिजनक नारे लगाना और इलीगल असेंबली करना और एमसीसी वायलेशंस की धाराएं हैं। मुजफ्फरनगर में पथराव करने वालों पर एक्शन, 25 के करीब लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा, आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। बहराइच में आज बुलडोजर एक्शन संभव, सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर पहले ही दिया जा चुका है नोटिस, कार्रवाई से पहले ही लोगों ने खाली की दुकानें। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सपा नेता एसटी हसन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, समुदाय विशेष को किया जा रहा है टारगेट, सुप्रीम कोर्ट की हो रही है अवहेलना। अब अगर सिलेक्टिव निशान लगाए गए हैं, एक ही मजहब के मानने वालों के या मुसलमानों के वो तोड़े जा रहे हैं, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है और बदले की भावना से काम हो रहा है। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर लोगों में उत्साह, शहर में जगह जगह नजर आ रहे हैं पीएम मोदी के पोस्टर, पीएम के स्वागत की तैयारियां तेज। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, आज काशी को सौगात देंगे पीएम मोदी, परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दौरे को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। पीएम के आगमन को लेकर वाराणसी तैयार, सुरक्षा व्यवस्था हुई चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज सहारनपुर को देंगे एयरपोर्ट की सौगात, सरसावा एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी वाराणसी से इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल। गिरिराज सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ और कहा कि देश के लिए काम कर रहे हैं मोदी। पीएम मोदी ने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली सीएम आतिशी, कंस्ट्रक्शन और आनंद विहार में बसों के कारण बताया प्रदूषण। साथ ही कहा 99 पॉइंट्स की पहचान हुई है, प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक प्रदूषण की मार, यमुना के पानी में भयंकर गाद का कहर, कई इलाकों में AQI 350। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, का 1971 से सीमांचल से आए मुसलमान पूरी तरह अवैध, इन लोगों के लिए लागू करना चाहिए NRC। हरियाणा के संत कबीर कुटीर में पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक, 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू करने के दिए निर्देश। आंध्र प्रदेश में उम्रदराज लोगों की बढ़ती आबादी को लेकर सीएम ने जाहिर की चिंता, लोगों से की आबादी बढ़ाने की अपील, अधिक बच्चे वाले परिवार के लिए विधेयक भी लाया जाएगा। बिहार के भागलपुर में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बिहार झारखंड सीमा के पास सन्हौला बाजार में मंदिर के अंदर मूर्तियों को खंडित करने पर लोगों ने सड़क पर जाम कर विरोध किया।
उत्तर प्रदेश के बरेली में दो समुदायों के बीच पथराव, जमकर चले ईंट पत्थर, पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 10 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR। केरल में ट्रेन रेल करने की साजिश नाकाम, रेलवे ट्रैक के दोनों किनारों पर पत्थर रखते देखे गए घुसपैठिए, पुलिस ने की घटना की सूचना, इसके बाद तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में शहर के बीचों बीच पटाखों का जखीरा, जिला अधिकारी कार्यालय से दो पटाखा व्यवसायियों को अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया, प्रशासन के खिलाफ उठ रहे सवाल। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में उपभोक्ता फोरम ने लगाया डॉक्टर पर 10 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना, इलाज में लापरवाही का। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही, फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन करने का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल को किया गया सील। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, कोतवाली परिसर में खुद कर जलाने का किया प्रयास, पिता को कस्टडी में लेने पर आत्मदाह की कोशिश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ ने भैंस को बनाया निवाला, इलाके में दहशत का माहौल, वन विभाग की लापरवाही से लोगों में गुस्सा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने लगाया था पिंजरा, लोगों ने ली चैन की सांस। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गौ तस्करी करने वाले बदमाशों पर की फायरिंग, गोलीबारी के दौरान घायल हुआ तस्कर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी घायल, बदमाश के कब्जे में तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। मथुरा में युवक पर जालेवा हमला, गंभीर हालत में युवक को कराया गया भर्ती, 10 से 12 लोगों पर हमले का आरोप, सावन में ताजमहल पर जल चढ़ाने को लेकर किया हमला। उत्तर प्रदेश के एटा में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट, दुकानदार ने ग्राहक को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, एक युवक पर लगा आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के एटा में एक बैंक कर्मी ने साथियों के साथ मिलकर युवती से दुष्कर्म किया, युवती को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिवपुरी के पास स्टैंड पर 9 साल के नाबालिग से दुष्कर्म, अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, इलाके में मचा हड़कंप, बचाव अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में रफ्तार का कहर, ट्रक ने ऑटो और ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, गुस्साए भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, स्लीपर कोच बस और टेम्पो में टक्कर हो गई, हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में करवा चौथ के व्रत को लेकर बाजारों में रौनक, जमकर खरीदारी करती नजर आई महिलाएं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज चांद का दीदार करेंगी जेल में बंद महिलाएं, जेल में बंद महिलाएं कैदी भी रखेंगी करवा चौथ का। सेंट्रल हिजबुल्ला राजवान फोर्स सुरंग मार्ग को नष्ट किया गया है, दक्षिण लेबनान में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने की कार्रवाई। लेबनान के हरेत हेग पर इजराइल का हमला हुआ है, हमले की तस्वीरें सामने आई है, जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। लेबनान के इजराइल के शलोमी में दागे गए रॉकेट हमले में एक इमारत हुई क्षतिग्रस्त, तस्वीर सामने आई। इजराइल के इलात में ड्रोन से हमला हुआ है, इराक से किया गया इजराइल पर अटैक, इजरायली सेना ने ड्रोन को मार गिराया। दक्षिण बेरूत में फिर से इसराइल सेना की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी कर तबाह किया। लेते हैं राजस्थान की। देखिए राजस्थान के जयपुर में चाकूबाज के घर पर बुलडोजर चला है, आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कब्जा हटाने की ये कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां चाकूबाज के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर से एक्शन हुआ है। और आपको ये बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से जयपुर में चाकूबाज की घटना 2 दिन पहले सामने आई थी, इसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। और अमरदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे अमरदीप का रुख कर लेते हैं। अमरदीप, क्या अपडेट है अभी वहां पर, क्या स्थिति? देखिए जयपुर के रजनी विहार इलाके में जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, ये मंदिर का एक हिस्सा था, एक कमरा बना हुआ था, भूमाफिया जो नसीब चौधरी है उसने उस कमरे पर अतिक्रमण किया हुआ था, उस पूरे कमरे को ढहा दिया गया है। JDA की जो निगम दस्ते की कार्रवाई है, उन्होंने इसको अब हटा दिया है, इस कमरे को हटा दिया है और इसका मलबा जो है अब वो लेकर के जाया जा रहा है, इन ट्रैक्टरों में भर करके इन पूरा मलबा जो है वो लेकर के जा रहा है। चूँकि अब ये मंदिर है, मंदिर के इस
हिस्से पर जो है अवैध अतिक्रमण जो है वो किया हुआ था, और इसी की वजह थी कि खुद हिंदू होने के बावजूद नसीब चौधरी जो है वो भूमाफिया तो था ही, लेकिन जो एक्टिविटीज मंदिर में होती थी, भजन कीर्तन होते थे, उनको उस पर रोक लगाता था, जिसकी वजह थी कि इस ज़मीन को वो कब्जा ले, और इस पूरी ज़मीन को लेकर के विवाद जो था मंदिर समिति से उसका चल रहा था। अब उसी को लेकर के उसने अपने बेटे के साथ मिलकर के मारपिटाई की, चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें 7 RSS के कार्यकर्ता जो थे